हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो द राइज ऑफ सर्विसेज, ये इंडियन सर्विस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है हमें, क्या क्या इंडियन सर्विस सेक्टर के बारे में हमें इससे पता चलता है। जस्ट अ सेकेंड। टू मेजर लीप्स आर अंडर वे इन इंडिया। तो क्या है ऐसे दो मेजर लीप्स, क्या है सर्विस सेक्टर डेट कुड डिफाइन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इन कंट्रीज ग्रोथ। तो मतलब ये इंडिया के ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब आपका ये जो आप ग्राफ बनाते हैं ये ट्रेजेक्टरी होता है, इसको ट्रेजेक्ट पाथ होता है ये, तो ये उसको डिफाइन करेगा। वन हैज़ टू डू, देखिए वन, पहला वन हैज़ टू डू विथ फास्ट इवॉल्विंग सर्विसेज एक्सपोर्ट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द अदर, अब सेकेंड क्या है, इज़ द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डोमेस्टिक सर्विसेज। तो जो डोमेस्टिक सर्विसेज है उनका रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर बोथ चेंजिंग इन शेप एंड फॉर्म एज दे मॉडर्नाइज। तो जैसे ये मॉडर्नाइज हो रहे हैं ये अपना शेप और फॉर्म दोनों चेंज कर रहे हैं। एंड इट डजेंट एंड देयर, वी आर ऑल्सो सीइंग साइंस ऑफ देयर न्यू सर्विसेज राइजिंग अप द वैल्यू चेन एंड क्रॉसिंग ओवर इन टू मैनुफैक्चरिंग। दिस इज वेयर वी थिंक इट स्टार्ट टू गेट वेरी एक्साइटिंग। तो यहाँ पे जैसे वो मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज में सेक्टर में भी एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें एक्साइटिंग होंगी। लेट्स स्टार्ट विथ सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑन अ नेट बेसिस दे आर नाउ टेकिंग इन डॉलर 60 बिलियन अ ईयर मोर इन रेवेन्यूज देन 3 ईयर अगो। तो जो 3 साल पहले था उससे डॉलर 60 बिलियन अब ज़्यादा रेवेन्यू हो रहा है। द पेंडेमिक पीरियड जो COVID-19 का पीरियड था, वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर IT सर्विसेज। वर्क फ्रॉम होम इंक्रीज द डिमांड ऑफ टेक कैपेबिलिटीज अक्रॉस फर्म्स एंड द एग्जूबरेंस कंटिन्यूज विद अ ब्रॉडनिंग आउट इन बोथ द सर्विस प्रोवाइडेड एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पे दोनों बढ़ रहे थे, सर्विस लेने वाले भी सर्विस देने वाले भी। इंडिया इज नो लॉन्गर द कॉल सेंटर ऑफ द 1990s। अब इंडिया कॉल सेंटर नहीं है। इट इज़ नॉट इवन दी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफ दी अर्ली 2000s। तो 1990s में इंडिया को बोला जाता था कि ये कॉल सेंटर है, 2000s में इंडिया को बोला जाता था ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। अब इंडिया ये नहीं है। इट हैज़ मूव्ड अप दी वैल्यू चेन एंड इज़ नाउ सेलिंग अ होस्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम अकाउंटिंग, लीगल, HR टू बिजनेस डेवलपमेंट, डिज़ाइन एंड R&D, एंड द लिस्ट इज़ ओनली इंक्रीजिंग। तो ये कॉल सेंटर और सर्विस प्रोवाइडर से इंडिया का लिस्ट ऊपर हो चुका है। आप देखिए ये अपना सर्विसेज, अपना खुद प्रोफेशनल सर्विसेज इंडिया सेल कर रहा है। कौन से फील्ड में, अकाउंटिंग, लीगल, HR, बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एटलीस्ट 4 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आर डोमिनेटिंग द सीन। वाइल लार्ज IT फर्म्स कंटिन्यू टू ग्रो, दे आर नॉट द ओनली इंजिन्स ऑफ ग्रोथ। मिड साइज IT फर्म्स हैव बीन गेनिंग मार्केट शेयर एंड कंसल्टिंग फर्म्स आर ग्रोइंग देयर सर्विसेज एक्सपोर्ट बुक्स। एंड फाइनली इंडिया कैन नाउ बोस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की बात हो रही है, इंडिया का ये लार्जेस्ट हो सकता है। वॉट आर GCC? GCC आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स है। GCCs हैव ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड टेक एंड IT सपोर्ट टू देयर पेरेंट MNC कंपनीज। तो जैसे कोई पेरेंट कंपनी है उसको टेक सपोर्ट दे रहे हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, L&T की LTI, इसकी बात हो रही है। बट हैव ग्रेजुअली मूव्ड अप द लैडर टू हायर वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक लीगल, ऑडिट, डिजाइन एंड R&D। इन 2022-23 अराउंड 1600 GCCs मेड अप अ मार्केट ऑफ डॉलर 46 बिलियन एम्प्लॉइंग 1.7 मिलियन व्हेन लुकिंग थ्रू इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट डेटा। तो अगर ये डेटा देखे तो इतने सारे GCCs इंडिया में है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट इवन दो प्रोफेशनल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर स्टिल अ क्वार्टर ऑफ IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, दे हैव ग्रोन द फास्टेस्ट एट अ 31% CAGR। तो 38% CAGR से होता है। CAGR आपका क्या होता है, देखिए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR, ओवर द लास्ट 4 ईयर, फॉलोड बाय कंप्यूटर सर्विसेज 16% एंड R&D 13%। विल इट लास्ट आफ्टर अ टेरिफिक रन? इट इज़ पॉसिबल दैट पेस ऑफ इंक्रीज इन इंडिया IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मॉडरेट्स ओवर अ नेक्स्ट ईयर और टू। आफ्टर ऑल स्लोइंग ग्लोबल ग्रोथ इज लाइकली टू स्क्वीज टेक बजट्स।
तो जो आप देखिए इतना इन्होंने मैसिव रन दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे 31% CAGR मिला है, यहाँ पे कंप्यूटर सर्विसेज को 16%। तो बोल रहे हैं क्या ये रुकेगा? तो देखिए क्या बोला जा रहा है, साल एक साल दो साल में तो ये थोड़ा सा स्लो होगा, जो ऐसे जा रहा था ट्रेजिटरी, हो सकता है ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए, वो स्लो होगा पर वो रुकेगा नहीं। और ग्लोबल हम ग्रोथ देख रहे हैं, वहाँ भी चीज़ें स्लो हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारे सर्विसेज पे पड़ेगा, बाकी रुकेगा नहीं। हाउएवर वी बिलीव दैट द ग्रोथ हैज़ अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू इट। वंस ग्लोबल ग्रोथ बॉटम्स आउट, इंडिया इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट कैन बिगिन टू गैदर पेस अगेन। तो आप देखिए इंडिया की सर्विसेज वापस से ऊपर आएंगी। देर आर सर्वल रीजन फॉर दिस। अब देखिए क्या रीजन है। वन, पहला रीजन, देर इज सीमिंगली परमानेंट चेंज इन एटीट्यूड अबाउट गेटिंग मोर वर्क डन फ्रॉम होम। तो होम से ज़्यादा वर्क हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। टू, इंडिया कैन ऑफर ए स्किल पोर्टफोलियो विच इज एबल टू प्रोड्यूस अ गैमेट ऑफ सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू डिजाइन, इंप्रेसिव इंटरनेट पेनिट्रेशन, यंग एंड डिजिटल सेवी, डेमोग्राफिक्स एंड इम्प्रूविंग एजुकेशन अटेनमेंट हैव मेड दिस पॉसिबल। तो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। थ्री, इंडिया ऑफर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। फॉर इंस्टेंस इन वैल्यू टर्म्स इंडियन आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मेक अप 18% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, बट इन वॉल्यूम टर्म्स दिस डबल्स टू 36%। फाइनली वी बिलीव, अब आप देखिए वॉल्यूम के टर्म में हम 36% ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं, पर वैल्यू के टर्म में, यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, वैल्यू के टर्म में हम 18% कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ ये बता रहा है कि हमारी वैल्यू अभी भी मार्केट के अकॉर्डिंग हाफ ऑफ द वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं? जब हाफ वैल्यू पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिव प्राइजिंग रख रहे हैं, तो हम मतलब चीज़ों को सस्ता रख रहे हैं ताकि लोग हमें करें, हमारे पास आए, हमारी सर्विसेज को अवेल करें। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। फाइनली वी बिलीव इंडिया इज़ अ टिपिंग पॉइंट फ्रॉम विच, इंडिया इज एट अ टिपिंग पॉइंट, इंडिया का भी टिपिंग पॉइंट है, फ्रॉम विच ग्रोथ टेंस इन सर्विसेज एक्सपोर्ट विल टेंड्स टू बी इवन स्ट्रॉन्गर। दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट अस एक्सप्लेन। वी टेक अ लुक एट इकोनॉमीज हुज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इज मच हायर देन इंडियाज, लाइक यूएस, द यूके, जर्मनी, आयरलैंड। वी फाइंड दैट इंडिया इज एट अ पॉइंट वेयर अदर कंट्रीज वर एबल टू टेक ऑफ एंड ग्रोथ देयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वेन मोर क्विकली देन बिफोर। मच ऑफ दिस वी बिलीव हैज़ टू डू विथ अ स्केल। वंस अ कंट्रीज एक्सपोर्ट इन ए स्पेसिफिक सेक्टर रीच अ सर्टेन साइज, देर आर बोथ पुल एंड पुश फैक्टर्स दैट लीड टू इवन हायर ग्रोथ। तो इंडिया को बताया जा रहा है टिपिंग पॉइंट पे है, यहाँ से चीज़ें और अच्छी आगे हायरली मतलब प्रॉफिटेबल इंडिया के लिए रहेगी। दिस इज नॉट वेर इट एंड्स, यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं हो रही है। वी फाइंड एविडेंस दैट मेनी मल्टीनेशनल्स आर इंक्रीजिंग देयर फुटप्रिंट्स इन इंडिया। दोज विच स्टार्टेड विद द प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, फॉर इंस्टेंस लाइक GCCs आर इंक्रीजिंग देयर रेंज ऑफ सर्विसेज एंड सम स्पेशली इन सेक्टर सच एज मेडिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग आर इवन क्रॉसिंग ओवर इन टू मैन्युफैक्चरिंग। तो आप देखिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी हम लोग आ रहे हैं। आफ्टर ऑल देर इज अ मच कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एक दूसरे को। नेक्स्ट वी लुक एट अ डोमेस्टिक वैल्यू सर्विसेज। इंडिया हैज़ एन इम्प्रेसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मेनी टेक स्टार्टअप्स हैव प्लंज इन टू इट यूजिंग अ वेराइटी ऑफ बिजनेस मॉडल्स, मोस्ट आर फोकस्ड ऑन सर्विस सेक्टर बट ओवर टाइम दे कुड बिकम मोर एम्बिशियस एंड मोर इन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। इन वन सेंस रेदर देन बी कन्फाइंड टू ग्रोइंग न्यू इंडिया, दे कुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ लिफ्टिंग ओल्ड इंडिया। तो न्यू इंडिया को ग्रो करने की जगह ओल्ड इंडिया को लिफ्ट करने का चैलेंज ले सकते हैं। वॉट एग्जैक्टली कुड वो एग्जैक्टली क्या यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे, अब देखिए आगे आंसर होगा। लेट स्टार्ट वाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी यूज टू सॉल्व मैनी ऑफ द डेली प्रॉब्लम दैट स्मॉल मैन्युफैक्चरर फेस, स्टार्टअप कुड ऑल्सो हेल्प स्मॉल फर्म्स गेन एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, चीपर रॉ मटेरियल, बिगर फाइनल मार्केट्स, बेटर वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स एंड इन्हेंस्ड क्वालिटी चेक्स। बाई इनेबलिंग स्मॉल मैन्युफैक्चर टू गेन देयर एडवांटेज, लार्जर वन बेनिफिट्स फ्रॉम दैट इज सिम्युलेट स्केल,
दे कैन इंसेंटिवाइज टू एक्सपेंड, तो इंसेंटिवाइज दे सकते, इंसेंटिव दे सकते एक्सपेंड करने के लिए. वी आर ऑलरेडी फाइंडिंग एविडेंस ऑफ न्यू डोमेस्टिक सर्विस सेक्टर कंपनीज. फॉर इंस्टेंस इन दी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोक्योरमेंट सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट एंड ई कॉमर्स सेक्टर मेकिंग फॉरे इंटू मैन्युफैक्चरिंग. ये इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? एट द हार्ट ऑफ इंडियाज जॉब प्रॉब्लम इज अ स्लगिश लो एंड मीडियम टेक मैन्युफैक्चरिंग, मीडियम एंड मीडियम टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. टू मेनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स रिमेन टू स्मॉल फॉर टू लॉन्ग, सो दे नेवर इंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल और क्रिएट इनफ जॉब्स. वॉट इंडिया नीड्स इज अ स्लू ऑफ रिफॉर्म विच रिमूव मेनी ऑफ द इम्पिडिमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स फेस. तो जो मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम आती है वो इंडिया और अपने पॉलिसीज, इंडिया गवर्नमेंट अपने पॉलिसी में ऐसा कर सकता है कि वो उन लोग को प्रॉब्लम फेस ना हो. यहाँ पे यही बात हो रही है कि उन वो हटा देना चाहिए. व्हाइल पॉलिसी एक्शन इज क्रिटिकल, जो मैंने आपको अभी बताया, वी बिलीव द राइज इन मॉडर्न सर्विसेज कैन एनर्जाइज मैन्युफैक्चरिंग. इट इज देयरफॉर हार्टनिंग टू सी एग्जाम्पल ऑफ मल्टीनेशनल क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सर्विसेज टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया. डोमेस्टिकली इट इज इंकरेजिंग टू सी हाउ दी सर्विसेज स्टार्टअप्स आर वेंचरिंग इन टू मैन्युफैक्चरिंग. दिस कुड वेल बी द स्टार्ट ऑफ अ ट्रेंड दैट विल ड्राइव ग्रोथ एंड जॉब्स इन द इकॉनमी. डोंट मिस इट. अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात इन्होंने यही हमें बताई है, कैसे सर्विस सेक्टर जो है, आप देखिए जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो कैसे डोमेस्टिकली हम उसको मैन्युफैक्चरिंग में लेकर जा रहे हैं. ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो हम लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ. इंडिया का जो ग्रोथ है ना, ये आप देखिए, प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया और टर्शरी हो गया, ये सबको पता है. ये एग्रीकल्चर हो गया आपका, जो जहाँ पे रॉ मटेरियल वाला हो गया, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाला पार्ट हो गया, और ये आपका सर्विसेज हो गया. तो बात क्या है, इंडिया में ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हुआ नहीं, टर्शरी हो गया. सेकेंडरी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने नहीं दिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया में होने नहीं दिया. लोकल मार्केट्स के इंडिया को इन्होंने ख़त्म कर दिया. क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रिटेन के, उस समय जो ब्रिटेन में आईआर चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, वहाँ से मशीन की बनी हुई गुड्स ले आते थे. और इंडिया में अब देखिए होता क्या था, ये ब्रिटेन है, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ से क्या करते थे ये लोग, रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ से क्या करते थे, फिनिश गुड लाते थे. ठीक है, अब क्या होता था, यहाँ पे जो लोकल आर्टिसन है वो हाथ से कुछ बना रहे तो वो चीज़ें महंगी पड़ती थी लोगों को, और वहाँ से जो चीज़ें आती थी उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगाते थे, तो उसके वजह से क्या होता था, वो चीज़ें चीप पड़ती थी इंडियंस को, तो इंडियंस वो खरीदते थे. तो उससे क्या हुआ, यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है हमारा डिस्ट्रॉय हो गया. तो इसीलिए बता रहा हूँ कि सेकेंडरी जो यहाँ पे आपका यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में हुआ ही नहीं, तो इंडिया ने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को स्किप कर दिया, तो आज सर्विसेस है. अब हो क्या रहा है, हम सर्विसेज के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, हम वापस से इसमें जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया का ग्रोथ होगा इसमें. अब यहाँ पे एक बात आ जाती है जीसीसीज की. जीसीसीज क्या होते हैं, आप देखिए जीसीसीज क्या होते हैं. जीसीसीज हैव ट्रेडिशनली प्रोवाइडेड टेक, इट इज सपोर्ट टू प्रेजेंट एमएनसी कंपनीज टू हैव ग्रेजुअली मूव्ड अप टू अ लैडर. तो ये एमएनसी के जो बड़े बड़े एमएनसीज होते हैं उनके टेक सपोर्ट के लिए है ये. ठीक है, अब आप अगर मैं मतलब बहुत लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल दूँ, टाटा है, मल्टीनेशनल कंपनी है, टाटा की टीसीएस होगी आप देखिए, और एलएनटी की आपकी एलटीआई होगी, और मतलब आप देखिए ये अपने उसको तो टेक सपोर्ट देते ही हैं. अब ये लोग क्या है, ये अपना मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, ये अपना सर्विस प्रोवाइडर जो है ये अपना ऐसा ऐसा सर्विस निकाल रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और कई गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जिस वजह से इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिल रहा है. तो हो सकता है कि अब ये चीज़ होने के बाद इंडिया और ग्रो करे, हो क्या सकता है, करेगा ही. तो इस आर्टिकल में हमें बस इतना ही समझना था.
So thank you guys, and please work hard to achieve all your dreams.